सब्सक्राइब कीजिए राधाज किचन चैनल को सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए, और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपके पास हमारी सभी रेसिपीज की जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधा है और राधाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल स्टाइल से बेसन बर्फी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और देसी घी में बनाई जाती है। एकदम साधारण तरीके से मैं आपको बेसन बर्फी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और इसको मैंने छान लिया है, और छानने के बाद मैं अभी इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ। ये मैंने बेसन इसमें डाल दिया, और ये मैंने देसी घी लिया है, ये 1.25 कप देसी घी है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी और चलाती जाऊँगी ताकि घी ज़्यादा नहीं हो जाए। वैसे ये सफिशेंट घी है, लेकिन फिर भी मैं यही तरीका करूँगी। बेसन को इसी तरह से आप चलाते रहें ताकि ये लगे ना, और गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में रखें। मैंने इसमें थोड़ा घी और डाल दिया है, क्योंकि वो घी उसमें पर्याप्त नहीं था। ये पूरा ही घी लग जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ, जिससे कि मेरा घी ज़्यादा ना हो। इसी तरह से ही चलाना है, गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में ही रखना है। गैस का फ्लेम कभी भी हाई ना करें, अगर आप हाई करेंगे तो बेसन जल जाएगा और आपकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि ये बेसन थोड़ा कड़ा लग रहा है, टाइट, चलाने में कितना टाइट है। इसी तरह से आपका बेसन हो जाएगा, और घी भी अब बिल्कुल पर्याप्त है, घी इसमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी से ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा और ये अपने आप ही घी छोड़ने लग जाएगा। अब देखिए, ये बेसन भुनते हुए फ्लफी सा हो गया है इस तरह से, और बेसन ने घी को छोड़ दिया है, और आप देख सकते हैं कितना हल्का सा हो गया है। पहले कितना कड़ा सा था, और अब देखिए ये लगभग भुन ही चुका है ये पूरी तरह से। अगर इन बर्फियों का मेजरमेंट आपको कब से समझना आए, तो आप 200 ग्राम बेसन में 100 ग्राम घी ले सकते हैं, और वो पर्याप्त होता है बिल्कुल। और उसी तरह से मैंने इसमें लिया है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम बढ़िया घी है, इसमें कोई ज़्यादा है ना कम है। अगर घी की मात्रा आप ज़्यादा लेंगे तो बर्फ़ी ढीली हो जाएंगी, तो इसलिए आप इसमें यही रसो रखें। और अब ये मेरा भुन चुका है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बर्फियों के कलर को अच्छा दिखने के लिए हल्का सा फूड कलर डाल देती हूँ, 1 पिंच के करीब, जिससे इन बर्फियों का कलर बहुत ही अच्छा आए। तो ये मैंने इसमें 1 पिंच फूड कलर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप ना चाहें तो ना डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जैसा मुझे भुना हुआ चाहिए था, वैसा बेसन भुन चुका है और ये एकदम परफेक्ट है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ बिल्कुल, और इसको बीच बीच में इसी तरह से हिलाती रहूँगी ताकि ये बेसन जले ना और ये नीचे से लगे ना। अगर मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी तो नीचे से बेसन जल जाएगा। इसी तरह से हिलाती रहूँगी, कढ़ाई अभी गर्म है तो मुझे इसी तरह से बेसन चलाना पड़ेगा इसी तरह से। अब गैस बंद हो चुकी है, अब इसको मैं ठंडा होने के बाद आपको दिखा देती हूँ। जब तक मेरा बेसन ठंडा हो रहा है, तब तक मैं शुगर सिरप बना लेती हूँ। ये मैंने 1/2 कप चीनी ली है, आप अपने स्वाद के अनुसार लें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो चीनी की मात्रा बढ़ा लें, और कम खाते हैं तो कम कर दें। 1/2 कप चीनी ली है, तो मैंने उससे आधा इसमें पानी डाला है, और इसको इसी तरह से हिलाते हुए मैं शुगर सिरप बना लूँगी। अब मैं देखिए इसी तरह से हिलाते हुए शुगर सिरप बना लेती हूँ, और शुगर सिरप बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर रखा है, और उबलने के बाद इसको लो कर दूंगी मैं। देखिए शुगर सिरप मेरा बॉयल हो चुका है, अब मैं गैस के फ्लेम को लो कर देती हूँ और इसको थोड़ी देर और पका लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरी शुगर सिरप तैयार नहीं हुई है। अब थोड़ी देर पकाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसको सिर्फ मुझे चिपचिपा ही पकाना है, ना कि इसमें तार लाने हैं, सिर्फ चिपचिपा होने तक ही पकाना है, और गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। अब मेरी शुगर सिरप बन के तैयार हो चुकी है, शुगर सिरप मुझे सिर्फ चिपचिपी बनानी है, और ये बिल्कुल बन के तैयार है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से चिपचिपी है। बस ये देखिए, ये सिर्फ चिपचिपी शुगर सिरप है, आप देख सकते हैं इसमें तार बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। और मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, इसमें तार नहीं बन रहा है, ये सिर्फ चिपचिपी जैसे शुगर सिरप है। ये बन के तैयार है, अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ। अब देखिए ये बैटर मेरा ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं, और इसमें घी बिल्कुल सही है, और ये ठंडा हो चुका है। अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हों, तो जब ये बेसन भुनने वाला हो तभी इसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें। मुझे नहीं डालने थे, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाले। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ये मैंने 3 से 4 इलायचियों को कूट लिया है बारीक, और इस तरह से कूट के फिर इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला देती हूँ, ये मैंने मिला दी, इसको अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसमें शुगर सिरप डालती हूँ और इसको मिलाती जाती हूँ। अब मैं इसमें ये शुगर सिरप
डालती जाती हूँ और मिलाती जाती हूँ। शुगर सिरप डालूंगी और मिलाती जाऊंगी। ये प्रोसीजर मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी बर्फियाँ ज़्यादा ढीली ना हों। अब मैं और डालूंगी, इसको भी डाल देती हूँ। आप भी इसी तरह से करें, नहीं तो आपकी बर्फी खराब हो जाएंगी। गैस का फ्लेम बंद है, मैंने गैस का फ्लेम नहीं चला रखा है। इसी तरह से ये सारा शुगर सिरप अब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने सारा शुगर सिरप इसमें डाल दिया है, देख सकते हैं आप। और अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। अब देखिए, बहुत अच्छी तरह से मिल चुका है, आप देख सकते हैं, और इकट्ठा हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये मैंने प्लेट लिया, इसको घी से ग्रेस कर लिया है। अब मैं इसी में इसको डाल देती हूँ इस तरह से, और इसकी बर्फियाँ जमा लेती हूँ। अब मैंने बर्फी का बैटर इस प्लेट में सेट कर दिया है, अच्छे से इस तरह से चिकना कर दिया है इसको। अब मैं इसमें ये थोड़े से मैंने पिस्ते को कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं, पिस्ते को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो इस तरह से मैं इसमें स्प्रिंकल कर देती हूँ, इस तरह से मैं इसको सजा देती हूँ। इसको इसमें येलो में ग्रीन कलर देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ पिस्ते ही डाले हैं। आप चाहें तो इसमें बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हैं, ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं इस तरह से। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें पिस्ते का यूज़ किया है और किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं इस तरह से सजा रही हूँ। ये बर्फ़ी देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स, आप इसे बनाएं और बनाने के बाद मुझे कमेंट्स करें और बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी बर्फ़ी की रेसिपी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और ट्रेडिशनल रेसिपी है। अब मैंने ये पिस्ते इसमें डाल दिए और इस तरह से इसको टैप टैप कर देती हूँ, जिससे ये अच्छी तरह से इसमें जम जाएं। ये देखिए, अब मैं इसको 15 से 20 मिनट बाद जब ये सेट हो जाएंगी तब मैं आपको दिखा देती हूँ बर्फ़ी काट के। बर्फियों को मैंने काट लिया है, अब मैं बर्फियों को आपको निकाल के दिखा देती हूँ इस तरह से। और इस तरह से निकाल निकाल के मैं इधर रखती जाती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है। अब देखिए, बेसन की बर्फ़ी बन के तैयार है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। अब मैं आपको एक बर्फ़ी तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बर्फ़ी कितनी स्वादिष्ट और कितनी देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। दूसरी वीडियो लेकर फिर से उपस्थित होती हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।